तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ले जाने वाले हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में, जो कि गुजरात में पड़ता है। जैसे कि आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा, हमने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन कर लिए थे और हम यहां से अब जाने वाले हैं द्वारका रेलवे स्टेशन। और हमारी ट्रेन थी रात में और सुबह सुबह ही हम द्वारका पहुंच गए। और सुबह द्वारका पहुंचते ही हमने नागेश्वर मंदिर में दर्शन करने का प्लान बनाया। स्टेशन से बाहर निकलते ही हमने ऑटो ढूंढा, जिसको हमने 300 रुपए में दोनों तरफ से बुक कर लिया और फिर हम चल दिए मंदिर की तरफ। और दोस्तों देखिए, सुबह सुबह मौसम कितना बढ़िया लग रहा है। और ऑटो वाले ने लगभग 30 मिनट लिए और हमें मंदिर तक पहुंचा दिया। अब दोस्तों फिर हमें दिखी मंदिर की पहली झलक। और दोस्तों सुविधाओं की बात करी जाए तो यहाँ पर किसी तरीके की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर किसी तरीके के रुकने के होटल्स नहीं है, खाने की अच्छी दुकानें नहीं है और ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं है। जब हम सुबह मंदिर में पहुंचे तो मंदिर बिल्कुल खाली था, इसलिए हम जल्दी से नहाने चले गए। दोस्तों हमें लगता है हमको नहाने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया और जब हमने आकर देखा तो बहुत लंबी लाइन लग चुकी है। फिर हमें जल्दी से लाइन में लग गए और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले। और दोस्तों लगभग आधे घंटे में हमारे दर्शन हो गए और आप भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन कर लीजिए। और दोस्तों बहुत सारे लोग गर्भगृह में जाकर दर्शन कर रहे थे। और दोस्तों फिर हम मंदिर से बाहर आ गए। आइए मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। और मंदिर के बाहर आकर हमने बहुत सारी फोटो क्लिक करी और मंदिर में प्रशासन की तरफ से अच्छी सुविधा है। फिर हम मंदिर के दूसरी तरफ आ गए। मैंने देखा तो यहाँ शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है और दोस्तों मंदिर के अंदर से ज्यादा भीड़ तो मुझे यहाँ पर दिख रही है। फिर हमने शिव जी के दर्शन कर लिए, हमने सोचा यहाँ पर रुकते हैं, पर इतनी देर में ऑटो वाले का कॉल आ गया। वो बोला जल्दी चलो, बहुत देर हो गई है। और दोस्तों फिर हम द्वारका आ गए। ये देखिए समुंदर। दोस्तों ऐसे ब्लॉग और देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो द्वारका का फुल ब्लॉग होने वाला है। मैंने देखा तो द्वारकाधीश मंदिर इस समय बंद है क्योंकि दोपहर में ये बंद कर दिया जाता है। हमने थोड़ी देर इस जगह एंजॉय करा। आइए दोस्तों मैं आपको नाइट व्यू दिखाता हूँ। और दोस्तों देखिए समुद्र की लहरें कितनी तेज आ रही हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।